एक तरफ देश भर में प्रदूषण से मचा है हाहाकार, तो दूसरी तरफ अचनेरा नगर की नगर पालिका उड़ा रही TTZ के आदेशों की धज्जियां। कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट में कूड़े के ढेर में लगाई जा रही आग, करोड़ों की लागत से बने प्रोसेसिंग प्लांट बना शोपीस, जिम्मेदार पूरे कबाड़ी लगा देते हैं कूड़े में आग। बड़ा सवाल, आखिर प्रोसेसिंग प्लांट में घुसकर भारी कैसे लगा सकता है आग? फतेहपुर सीकरी विधानसभा के अचनेरा क्षेत्र में लगा है प्रोसेसिंग प्लांट। जो सर, जो अचनेरा मथुरा मार्ग प्रोसेसिंग प्लांट है, उसमें आपकी सूचना है काफी समय से, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, काफी समय से नहीं, वहाँ पे पानी के उचित प्रबंध है। और जब भी होता क्या है कि कबाड़िये जो कस्बे में है, वो उनका 2-3 बार मैंने चालान कर दिया, वो खुले में यदि तार आदि चलाते हैं तो अब वो तार अपना करते क्या है कि डस्टबिन में ही डाल के चोरी चुपके चलाते हैं। जलाने से होता क्या है कि डस्टबिन में, बड़े वाले डस्टबिन जो कमर्शियल एरिया में रखे हुए हैं, वो कभी जब प्लांट पे चले जाते हैं तो उनके माध्यम से आग लग जाती है। और वहाँ पानी का उचित प्रबंध है, आपने देखा भी होगा कि वहाँ पानी चला कर लड़के मोटर से जैसे ही जानकारी मिलती है वैसे उसे बुझा दिया जाता है। हमारी बात हुई थी जो ग्रामीण खेतों में काम कर रहे थे, जो रास्ता रागी निकल रहे थे, उन्होंने कहा भैया हम तो प्रतिदिन ऐसा ही देखते हैं, प्रतिदिन आग लग जाती है। नहीं, विगत जब से बरसात खत्म हुई है तब से प्लांट फंक्शनल है और वहीं लड़के रहते हैं। आपने देखा होगा कि इमीडिएट यदि आग के धुएं निकल रहे होंगे तो लड़के भी उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिदिन आग नहीं लगती है वहाँ पे। अच्छा, जैसा कि NGT किसानों पर आपको लेकर कई बार कार्रवाई कर चुकी है, ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि NGT ने आपके ऊपर कोई नगर पालिका के ऊपर कोई कार्रवाई की है? नहीं, पर अभी तो NGT ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है और हमारे संज्ञान में जो ही आता है कि कहीं यदि आग लगी है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और आग को तत्काल बुझाया जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम श्रीराम है। कहाँ के रहने वाले? चैपोवर। अच्छा, ये तुम पास में यहाँ ये कूड़ा केंद्र है, यहाँ पे अचनेरा नगर पालिका द्वारा कूड़ा डाला जाता है, तुम पास में खेतों में काम कर रहे हो? हाँ, इससे कोई दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों नहीं होती है, हम तो इसको खाद जानते हैं, खाद बनता है, लेकिन यहाँ पे तो रोज आग ही लगाई रहती है, पॉल्यूशन भी होता है काफी। सरकार ने करीब 2 करोड़ रुपए लगा के इसको प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है, लेकिन कूड़े में आग लगाई जा रही, क्या कहना चाहते हो तुम युवा होते इसके? सर, ये जो सरकार ने तो काम सही किया, ये जनता क्या, ये जो अधिकारी बैठे हुए ये क्या कर रहे हैं? ये गलत हो रहा है सर, फिलहाल बहुत गलत हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन भी जाता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है और यहाँ के पास में किसान भी हैं, यहाँ पर रोड भी है पास में, इससे बहुत दिक्कत होती है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, स्मेल आती है। क्या नाम है आपका? ये सद्दाम नाम है। कहाँ के रहने वाले? अचनेरा। अभी आप बाइक से कहाँ जा रहे हैं? सर, मैं ये गाँव में जा रहा था। अच्छा, ये अचनेरा मथुरा मार्ग पर प्रोसेसिंग प्लांट है कूड़े से खाद बनाने का जी। ये यहाँ पे धुआं उठ रहा है, रास्ते में आने जाने में कोई समस्या होती है? समस्या होती है सर, बहुत समस्या होती है सर। कितनी समस्या है? सर, सांस लेने में दिक्कत होती है और सर ये धुआं काफी दूर तक जाता है सर, अचनेरा तक जाता है धुआं, ये इससे बीमारी होती है सर। सरकार ने करीब 2 करोड़ रुपए लगा के इसको बनवाया है, तो यहाँ के जो कर्मचारी हमेशा जलाते हैं सर? ये तो आए दिन जलता रहता है सर। रोजाना चलाते जी? जो प्रोसेसिंग प्लांट उससे कभी खाद बनाते हुए आपने मशीन चलते हुए देखी? नहीं सर, मैंने तो देखी नहीं सर। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।